लेकिन अभी सीट के बंटवारे नहीं हुए हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर का उनका उम्मीदवार होगा, कहाँ कितनी उसका फेस होगा, ये भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि हाँ ये फेस कौन होगा। सबसे बड़ी बात और ये सबसे बड़ी चीज, ये राष्ट्रीय चुनाव है ना कि एक विधानसभा, एक क्षेत्रीय चुनाव है। और अगर जब तक, लेकिन आपको क्या लगता है जो इंडिया का गठबंधन हुआ है तो इस धर्म, सबसे बड़ी चीज अगर हमें कोई ये बता दे, कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि सनातन धर्म हमें क्या प्रमाण, अगर किसी को नहीं मिलते हैं, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए गूगल से लेके कहीं भी, कि सनातन धर्म कब उदय हुआ, कब आपको यहाँ समाज में यहाँ आपको देखने को मिला, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक धर्म है। कहीं ना कहीं ये बीजेपी इस पर अपना प्रभाव छोड़ेगी, और क्या लगता है कि कहाँ तक वो छोड़ सकती है अपना प्रभाव इस मुद्दे को उठाने। देखिए बीजेपी की बात आपने की, बीजेपी राम मंदिर जब से बनने की शुरुआत हुई थी, जब से राम, जो रामलला अयोध्या में जो घटना कभी देखने को मिला था, तब से बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मुद्दा बनाती है और सनातन धर्म की संस्कृति को अपने साथ लेकर चलने को मजबूत करने में तमिलनाडु उदय नीति का जो बयान है उनका विरोध प्रदर्शन भी जोरदार हो रहा है। अब मतलब मंदिर के आगे उनकी फोटो लगा के उस पर लोग पैर पोछ के जा रहे हैं, तो ये तो जोरदार विरोध हो रहा है। तो इस पर क्या कहना है कि कहाँ तक वो सनातन धर्म का जो बयान दिए हैं उस पर इतना विरोध हो रहा है, तो वो कहाँ तक देखा जा सकता है उसको। देखिए उदय नीति स्टालिन ने एक बयान दिया था जिस तरीके से सारे देश जान रहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, हम इसे खत्म नहीं, हम इसे छुटकारा नहीं, हम इसे खत्म ही करना चाहते हैं डेंगू मलेरिया को। तो भाई आपने, आप एक मंत्री पद हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपके तरीके से ये बयान। और आप देख रहे हैं द खबर वाला, मैं आपको बता दूं कि जो सनातन धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म है, और देखा जाए जो सनातन धर्म है उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद हो गया है। आपको बता दें कि तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री एमके हैं, उनके जो बेटे हैं उदयनिधि स्टालिन, वो इस पे लेके बहुत बड़ा सवाल कर दिए हैं कि मैं सनातन धर्म को नहीं मानता हूँ, मैं मानता हूँ इसको ख़त्म करने के लिए, इसका खात्मा हो जाना चाहिए सनातन धर्म का। तो इस चीज़ पे बातचीत करने के लिए हमारे साथी जुड़ गए हैं जर्नलिस्ट। तो आप ये बताइए जो सनातन धर्म है इस पर क्या कहना, और जो ये मुख्यमंत्री हैं या फिर उदयनिधि के बेटे हैं, ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या दिक्कत है इन लोगों की, ऐसे क्यों विवाद कर रहे हैं ये? देखिए सबसे बड़ी बात आपने जो बात कही कि जो उदयनिधि स्टालिन है, एक तरीके से जो 24 का चुनाव आ रहा है, तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से इसे बयान देकर कहीं ना कहीं जो एक संस्कृति है, सभ्यता है, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही है। आपने बहुत अच्छी बात की कि जो उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के ऊपर जो बयान दिया है कि मैं इस धर्म को नहीं मानता हूँ, ठीक है आप जिस धर्म को मानिए, आप सारे धर्मों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप विशेष धर्म के प्रति इस तरीके का जो बयान दे रहे हैं कि ये धर्म जो है डेंगू मलेरिया की तरह है, इसे खत्म करना ज़रूरी है, तो फिर ये सनातन धर्म, अकबर बीरबल बहुत से लोग आए, बहुत से मुगल शासक आए हिंदुस्तान में, इस धर्म को ख़त्म करने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इस धर्म का प्रमाण अभी तक नहीं मिलता है कि ये धर्म कितने सौ वर्ष पुराना है। लेकिन राजनीतिक तौर पर ये बयान कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव आ रहा है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने भी और तमाम वो जो नेता हैं इस बयान से किनारा कस लिए हैं कि ये उनका निजी बयान है। क्यों? क्योंकि चुनाव, जैसे भारत में तकरीबन 80% सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोगों की आबादी है, चुनाव है, कहीं ना कहीं 24 में चुनाव जो एक गठबंधन इंडिया INDA इंडिया और NDA के बीच में चल रहा है, उसको लेकर सभी चाहते हैं कि किस तरीके से हम वोट ज़्यादा से ज़्यादा अपने तरफ लें, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं तो नुकसान पहुँचाने का कोशिश रहेगा कि जरूर आपको विरोध भी तमाम। निहाल मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या जो 2024 का चुनाव आने वाला है तो उसमें NDA और इंडिया जो है इस पर क्या जो सनातन धर्म है इसका इस पर असर पड़ने वाला है चुनाव पे? क्योंकि बीजेपी तो ज़्यादातर सनातन धर्म का सपोर्ट करती है। देखिए बहुत सही बात, बीजेपी ने हमेशा सनातन धर्म की जो है वो समर्थन किया है, और अभी बीते दिनों ही प्रधानमंत्री ने एक जो बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक की थी उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि जो ये उदयनिधि स्टालिन का बयान है उसको गोपनीय तरीके से बीजेपी की तमाम कार्यकारिणी के सदस्यों तक पहुँचाया गया था कि बीजेपी इसे आगामी चुनाव में अपना राष्ट्रीय मुद्दा बनाएगी। क्यों मुद्दा बनाएगी? क्योंकि लोग, भारतीय जनता पार्टी लगातार सनातन संस्कृति को, धरोहरों को सहेजने और संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इस बयान को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने मुद्दे में बनाकर आगामी चुनाव में जरूर, जहां वो कमज़ोर है, जहां कांग्रेस की सरकार है, जहां INDA गठबंधन की सरकार है, वहां पे वो फायदा बटोरना चाहेंगी कि इस बयान को वो मुद्दा बनाए और वहां से जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ आएँ। और एक बड़ी चीज़ जो बीजेपी राम मंदिर का मुद्दा उठाती है,
तो जो राम मंदिर का जो एक प्रस्तावित तिथि मानी जा रही है 24 जनवरी, वो एक बड़ी चीज़ हो सकती है बीजेपी के लिए, एक बड़ा गोल्डन चीज साबित हो सकता है आगामी चुनाव को देखते हुए। तो जैसे जो 2024 का चुनाव है और बीजेपी इसका सपोर्ट भी करती है और जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है तमिलनाडु में अभी इस तरह से जोरदार विरोध किया है, ठीक है, तो उस पर ये लगता है कि क्या सनातन धर्म खत्म हो जाएगा या फिर विरोध करने से उस पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ आपने सनातन धर्म के खात्मे की बात की, तो सनातन धर्म सबसे बड़ी चीज़, अगर हमें कोई ये बता दे, कोई अभी तक प्रमाण नहीं मिलते हैं कि सनातन धर्म, हमें क्या प्रमाण अगर किसी को नहीं मिलते हैं, आप कहीं भी सर्च कर लीजिए गूगल से लेके कहीं भी कि सनातन धर्म कब उदय हुआ, कब आपको यहाँ समाज में यहाँ आपको देखने को मिला, ऐसा कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। तो सनातन धर्म के खात्मे की बात, पहली बात सनातन धर्म के खात्मे की बात आपने की, अगर हिंदुस्तान से सनातन धर्म के खात्मे की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अभी बीते दिन उन्होंने बयान दिया है, मुख्यमंत्री की बात कर रहे हैं कि सनातन धर्म को जब मुगल, अकबर, बीरबल, तमाम वो लोग आए वो नहीं ख़त्म कर पाए, तो ऐसे राजनेताओं का बयान बीजेपी कहीं ना कहीं मुद्दा तो बना ही रही है अपने चुनाव को देखते। बीजेपी मुद्दा तो बना रही है, ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी मुद्दा भी बनाएगी और कहीं ना कहीं बीजेपी हो सके स्ट्रांग भी हो इस मुद्दे को उठा के, लेकिन क्या लगता है जहाँ कांग्रेस की या फिर विपक्ष की जो पार्टियाँ हैं वहाँ पे बीजेपी इसको मुद्दा बना के अपने आप को काबिज करना चाहती है वहाँ पे? हाँ, आपने सही बात की। देखिए, जहाँ पे बीजेपी जैसे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और जो तमाम ऐसे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तो जो ऐसे राज्य हैं जो कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में सरकारें वहाँ चल रही हैं, बीजेपी अपनी जमीन तलाशने की 2024 के लोकसभा चुनाव में कोशिश करेगी। सबसे बड़ी चीज़ 2019 की चुनाव की बात करें, राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार है वहाँ से बीजेपी ने 2019 में सारी सीटें जीती थी और इस समय विधानसभा यानी वहाँ से मुख्यमंत्री भी कांग्रेस के हैं और आगामी चुनाव भी कहीं ना कहीं विधानसभा राजस्थान में आ रहा है, तो बीजेपी इसे मुद्दा बना के एक राज्य विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जरूर फायदा उठाएगी, क्योंकि बड़ी चीज़ें हैं, कोशिशें हैं तमाम पार्टियों की कि वो अपने से विरोधी दलों के जो क्षेत्र है, जो उनका जो एक गढ़ माना जाता है, वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर अपनी ज़मीन तलाशे और वहाँ से अपनी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, जिससे 24 में चुनाव उनके लिए कुछ आसान तो हो सकता है। सबसे बड़ी चीज़ एनडीए गठबंधन की बात करें तो 28 पार्टियाँ अभी तक साथ में हैं, लगभग तीन अधिवेशन उनके हो चुके हैं, बेंगलुरु, मुंबई और तमाम वो जगह पे वो एक साथ बैठ चुके हैं, लेकिन अभी सीट के बंटवारे नहीं हुए हैं, कौन प्राइम मिनिस्टर का उनका उम्मीदवार होगा, कहाँ कितनी उसका फेस होगा, ये भी अभी डिक्लेयर नहीं हुआ कि हाँ ये फेस कौन होगा। सबसे बड़ी बात और ये सबसे बड़ी चीज़, ये राष्ट्रीय चुनाव है ना कि एक विधानसभा, एक क्षेत्रीय चुनाव है। और जब तक, लेकिन आपको क्या लगता है जो इंडिया का गठबंधन हुआ है तो इसमें क्या लगता है मुख्यमंत्री का फेस, सॉरी प्रधानमंत्री का फेस कौन? सबसे बड़ी चीज यही चीजें हैं। देखिए, 28 पार्टियां हैं, हर एक पार्टियां चाहेंगी कि हमारे पार्टी का एक नेता जो है वो प्रधानमंत्री बने, जाहिर सी बात है सब पार्टियां चाहेंगी। अगर बिना चेहरे के चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ जगह पे उन्हें नुकसान का भी सामना करना पड़ सकता है। बिना चेहरे के चुनाव लड़ना मतलब ये ऐसा लगता है कि कैसे हम लड़ सकते हैं या फिर पब्लिक, ये भी बड़ी चीज कह चुकी है कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मंच से कहा है कि हम तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं। ये प्रधानमंत्री ने एक अपने जो गारंटी कार्ड है वो गारंटी कार्ड रखे, कही है कि हम तीसरी बार आएंगे और जो भारत की अर्थव्यवस्था इस समय 5वें नंबर पर हमने लाई है वो 3rd नंबर पर अर्थव्यवस्था हम ला कर दिखाएंगे। एक बड़ी चीज़ प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे बड़ी चीज़ जिस तरीके से भारत ने G20 की अध्यक्षता की है, एक हिंदुस्तान के लिए हम भी गर्व की बात है कि हमारे देश में बीते 30 से 40 सालों में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, विश्व के जो सबसे बड़े 20 देश थे वो आए हैं, ऊपर से प्रधानमंत्री ने 9 और देशों को अपने देश में आमंत्रित किया था, तो कहीं ना कहीं ये सफल जो आयोजन है उसे भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी कि हमने देश को कहीं ना कहीं जो एक राष्ट्र की जो छवि है वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बेहतर प्रदर्शित करने की कोशिश की है। बीजेपी जहाँ तक ये देखा जाए तो इसको जो सनातन धर्म को अपना एक मुद्दा बना ही सकती है। अभी घोसी में चुनाव हुआ था तो घोसी में तो बीजेपी हार गई है, तो घोसी में जहाँ तक ये है कि घोसी में उसका दबदबा या फिर कहते हैं ये मतलब दबदबा नहीं है, लेकिन फिर भी सनातन धर्म को वो जहाँ तक बना रही है, अपना मुद्दा बना रही है, तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं मुद्दा उठा था, तो इसमें क्या कहना है आपका? देखिए, घोसी एक उपचुनाव था, ये उपचुनाव कहीं ना कहीं स्थानीय नेता की कमियों की वजह से
क्योंकि आप हमें ये बताइए, जो दारा सिंह चौहान उस सीट से विधायक हुआ करते थे, वो क्यों छोड़ के बीजेपी में आते हैं? एक बड़ा सवाल जनता तो जान रही है ना। और सबसे बड़ी चीज, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी इस चीज़ से नाराज थे कि जो आपके राजभर जी हों, प्रकाश राजभर, उनका बयान बीजेपी के जो कार्यकर्ताओं को लेकर अभी कुछ समय पहले ही देखने को मिलता था, तो कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं बीजेपी से थोड़ा सा नाराज थे और जनता तो नाराज थी, क्योंकि आप विधायक हम आपको बनाते हैं तो 5 साल के लिए बना रहे हैं, और अगर आपको पार्टी बदलनी थी तो आप अपना पूरा कार्यकाल करते, क्योंकि जनता विकास चाहती है। और विकास के नाम आप मामले की बात करते हो, सड़क, सुरक्षा, स्वास्थ्य, ये जो तमाम चीज़ें हैं वो जनता को चाहिए होती है। और आप 1.5 साल के अंदर में, 16 महीने के अंदर में घोसी में 2 से 3 बार उपचुनाव, कहीं ना कहीं जनता तो देख रही है ना। जनता तो वो देख ही रही है। लेकिन आपको ये क्या लगता है, अभी आपने ओपी राजभर का नाम लिया, तो ओपी राजभर एक देखा जाए एक जाना पहचाना या फिर ठीक ठाक एक नाम है, तो इस पर ये देखा जाए कि वो तमाम पार्टियाँ छोड़ के आए, पहले बीजेपी में थे फिर छोड़े फिर बीजेपी में आए, तो इस पर क्या कहना है? देखिए, ओपी राजभर को बहुत सारे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं। ओपी राजभर ने अभी बयान भी दिया है, प्रकाश राजभर ने कहा है कि हम भले चुनाव हार गए लेकिन हम और दारा सिंह चौहान मंत्री बनने जा रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा बयान है आखिर। हाँ, ये तो उन्होंने कहा ही है। हाँ। लेकिन इस पे क्या लगता है कि हार गए हैं फिर? और वो फिर राजभर का ये नहीं समझ में आता है कि वो किस पार्टी में है, किस में जाएंगे, ये चीजें। देखिए, आप ये आपने सवाल बहुत बड़ी चीज के लिए, देखिए हम राजनीतिक तौर पर नहीं, हम अपने अपने क्षेत्र से बातें करें तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से ओपी राजभर अपने पार्टी की बदल कर रहे हैं, कभी सपा से भाजपा में, भाजपा से सपा में, फिर सपा से भाजपा में, वही चीज़ कहीं ना कहीं जो विधायक वहाँ दारा सिंह चौहान थे वही चीज़ उन्होंने किया, तो उसका नतीजा पब्लिक ने दिया। पब्लिक ने लगभग दुगने मतों से इस बार हारे, तो पब्लिक देख रही है। देखिए, आजकल तकनीकी का जमाना है, हर लोग मोबाइल है, टेलीविज़न है, अगर हमारे पास खबरें आती हैं तो तत्काल हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं, तमाम मीडिया चैनल्स जो हैं हम लोग लोगों तक पहुंचाते हैं, लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग देख रहे हैं कि हमें यार विकास चाहिए, हमारे साथ तो हो कह रहा है, क्योंकि आप अगर समय से तो आपको बदलना था, क्योंकि यही दारा सिंह चौहान पिछले बार योगी जी की सरकार में, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं उनके सरकार में वन मंत्री हुआ करते थे, तो जब इन्हें लगा कि फिर से सपा की सरकार आ रही है तो फिर से भाजपा सपा में चले गए, फिर सपा वही सीट से इनको विधायक बनाती है, फिर सपा छोड़ के फिर क्यों भाजपा में आए, एक बड़ा सवाल। तो जनता वो चीज़ देख रही, जनता को नज़र आ रहा है कि आखिर हम विधायक जिसे चुन रहे हैं, अपना सांसद जिसे चुन रहे हैं, उसे हमें विकास करना है, उसे विकास करना है हमारे क्षेत्र में, लेकिन आप विकास नहीं कर रहे हैं, आप विकास छोड़ के अपने जो भी उनके जनता कह सकती है, जनता को जो भी है अपना अपना निजी अनुभव आप देख रहे हैं, तो उसमें जनता जाहिर सी बात है, जनता समझदार है, सब कुछ जनता देख रही है, जनता तो सब जानती है, पब्लिक सब जानती है, पब्लिक सब जानती है। तो जो सनातन धर्म है कहीं ना कहीं ये बीजेपी इस पर अपना प्रभाव छोड़ेगी, और क्या लगता है कि कहाँ तक वो छोड़ सकती है अपना प्रभाव इस मुद्दे को उठा के? देखिए, बीजेपी की बात आपने की, बीजेपी राम मंदिर जब से बनने की शुरुआत हुई थी, जब से राम जो रामलला अयोध्या में जो घटनाक्रम देखने को मिला था, तब से बीजेपी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक मुद्दा बनाती है, और सनातन धर्म की संस्कृति को अपने साथ लेकर चलने की बात करती है। सबसे बड़ी चीज़ आपने बात की कि बीजेपी कहाँ तक इसका लाभ उठा पाएगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें, कहते हैं जो उत्तर प्रदेश जीता वो दिल्ली जीता, उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं, और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश की कमान जब से संभाले हैं, यहाँ पर महिला सुरक्षा की बात करें, कानून व्यवस्था की बात करें, और विकास की बात करें, तो तमाम क्षेत्रों में विकास नज़र आता है, ऐसा हम क्या पब्लिक भी देख रही है, तमाम लोग देख रहे हैं, तो विकास की बात सबसे बड़ी चीज़ विकास, और जब से या फिर आप बीते 9 साल की बात करें तो देश में जितने भी तमाम एयरपोर्ट्स हैं जो खुल रहे हैं, तमाम हाईवेज बन रहे हैं, जो पिछले आंकड़े थे अभी एक दिन में लगभग 35 से 32 किलोमीटर हाईवेज बन रहे हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है बीजेपी विकास के साथ साथ सनातन धर्म को भी मुद्दा बना के चुनावी मुद्दे में फ़ायदा उठाना चाहती है। जो पूर्वोत्तर भारत है, कहीं ना कहीं बीजेपी साउथ के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बीजेपी अपने आप को कमज़ोर मानती थी, लेकिन जो उदयनिधि स्टालिन का जो बयान है वो कहीं ना कहीं जो साउथ में बीजेपी के जो चीज़ें हैं वो मजबूत करने की पूरी तरीके से बीजेपी कोशिश करेगी। तमिलनाडु है, केरल है, कर्नाटक है, क्योंकि इन राज्यों में बीजेपी जो सनातन धर्म, जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनकी आबादी अच्छी खासी है, तो अच्छी खासी आबादी में लगभग जो दक्षिण भारत के राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी चाहती है कि हम अपने जो ज़मीन है वो ज़मीन तलाशें,
क्योंकि उत्तर भारत के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, इन राज्यों में तो बीजेपी ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन उनको चाहिए कहाँ पर, उनको साउथ का घर चाहिए, बीजेपी साउथ की तरफ देख रही है। तो एक जो उदयनिधि स्टालिन का बयान है वो साउथ में बीजेपी को अपने गढ़ मजबूत करने में तमिलनाडु, उदयनिधि का जो बयान है उनका विरोध प्रदर्शन भी जोरदार हो रहा है। आपको मतलब मंदिर के आगे उनकी फोटो लगा के उस पर लोग पैर पोछ के जा रहे हैं, तो ये तो जोरदार विरोध हो रहा है। तो इस पर क्या कहना है कि कहाँ तक वो सनातन धर्म का जो बयान दिए हैं उस पर इतना विरोध हो रहा है, तो वो कहाँ तक देखा जा सकता है उसको? देखिए, उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया था जिस तरीके से सारी देश जान रहा है कि सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, हम इसे खत्म नहीं, हम इसे छुटकारा नहीं, हम इसे खत्म ही करना चाहते हैं डेंगू मलेरिया को। तो भाई आपने, आप एक मंत्री पद हैं, आप एक संवैधानिक पद पर हैं, तो आपके तरीके से ये बयान आना कहीं ना कहीं आपके पार्टी को, इंडिया गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की तरफ, तो एक बेहतर कदम जनता दे सकती है। मैं, क्योंकि हम तो अपने ओपिनियन से जनता की राय ही जाते हैं, हम लगातार जनता के बीच में जाते भी हैं, जनता से पूछें, तो जनता कहीं ना कहीं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग हैं वो इसे बड़ी चीज़, एक बड़ी चीज़ आपसे फिर बताएं कि जो भारत में रहने वाली जो 140 करोड़ की आबादी है, लगभग 80% आबादी सनातन संस्कृति से ही जुड़ी हुई है, तो आप किस तरीके से सनातन संस्कृति को ख़त्म करने की बात कर रहे हैं? कहीं ना कहीं जो बहुत से मुगल शासक भी आए, अकबर आए, बीरबल आए, तमाम लोगों ने मंदिरों पर आक्रमण किया, सनातन धर्म को ख़त्म करने की कोशिश की, तो क्या सनातन धर्म खत्म हो गया? आप बताएं सनातन धर्म खत्म हो गया? आप अगर ये जो बयान है, जो बयान आप राजनीतिक तौर पर आप दे रहे हैं, तो ये नुकसान तो आप अपने गठबंधन पार्टी का ही कर रहे हैं। तो इसका कहीं ना कहीं है जो बीजेपी है भरपूर फायदा उठाएगी बातों से, और जो हमारी बातचीत हुई है इससे यही क्लियर हो रहा है कि बीजेपी इसका भरपूर फायदा उठा सकती है। जो सनातन धर्म पे विरोध किया गया है, जो विरोधी बयान दिए हैं उदयनिधि ने, तो इस पे मैं आपको बता दूं कि हमारे बीच बहुत सारी बातें हुई हैं सनातन धर्म को लेके, और आपका क्या इस पे विचार है जो उदयनिधि ने इस पे, आपका क्या विचार है जो उदयनिधि ने इस पे बोला है कि सनातन धर्म को एकदम खत्म कर देना चाहिए? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए द खबर वाला।